नहीं इंडिया ग्लास, ये स्टॉक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला जैन साहब के जेम्स में इंक्लूड किया हुआ स्टॉक होगा, 10,600 करोड़ की मार्केट कैप तो, बट 613 से करेक्ट हुआ हुआ है तो 490 और 405 के टारगेट के लिए स्टॉक को मैं लाया हूँ। देखिए ये स्टॉक एक डोमिनेंट प्लेयर है इनफैक्ट ऑटोमोटिव और आर्किटेक्चर ग्लास सेगमेंट्स में, जो भी ग्लासेस देखते हैं बिल्डिंग्स में लगे हुए, तो बिल्डिंग मटेरियल्स और होम इंप्रूवमेंट बिजनेस पे मैं वैसे ही बहुत बुलिश हूँ। और देखिए मैंने जैसा कहा कि 613 से करेक्ट हुआ हुआ है और बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहा है, इनफैक्ट पिछले 5 साल की जो कैगर है 8-9% की रही है, और चूंकि ऑटोमोटिव सेगमेंट ऑटो इंसिलरी नहीं चल रहे तो थोड़ा सा स्लो रहा है, बट अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जबरदस्त करेगा। एक जॉइंट वेंचर है ये लाब्रू फैमिली और असाही ग्लास जो जापान की कंपनी है, और मारुति उद्योग उसका भी, मारुति का भी 11% के लगभग स्टेक है इसमें, और 74 करोड़ का पैट था दिसंबर 2020 में, उसके सामने 100 करोड़ का पैट कंपनी ने दिया है। और मुझे जो सबसे बढ़िया बात और लगती है कि मैं देख रहा था कि 300 करोड़ का पैट टीटीएम बेसिस पे कंपनी ने कमाया है, जो कि हाईएस्ट एवर और फैंटास्टिक है। मतलब जनरली 130-150 करोड़ रुपया कमाने वाली कंपनी और इस तरीके से कमा रही है, और आगे आने वाले दिन तो और भी बेहतर होंगे। और 54% प्रोमोटर्स की स्टेक है, जिसमें मैंने बता दिया कि एसआई का 22 है, 11 मारुति का है, और FISDIS भी 1.5-2% के लगभग होल्ड करते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये स्टॉक और बढ़िया करेगा, डोमिनेंट प्लेयर तो है ही है, और ओवरऑल इस स्टॉक को ले और 490-530 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये आपके लिए आसाई इंडिया का।